परिवार की खातिर जीने का अनोखा होता है उनका अंदाज। क्या क्या नहीं करते माँ बाप ताकि बच्चों को खून पे नाज। श्रीनिवास वागले की इकलौती ट्रॉफी अचानक कैसे टूट गई, छोटे बच्चे के हाथों से जैसे आखिरी चॉकलेट छूट गई। देखते हैं कैसे। ये बॉक्स यहां पर कौन छोड़कर गया ये किसी को नहीं पता। जा सर, मैं तो डिलीवरी पैकेज चेक कर रही थी ना, तो आई डोंट नो। और पुनीत तू वो ईशा को चेक कर रहा था है ना? हाँ सर। हाँ बोल रहा है ये। अरे कश्मीर के कले तो, अरे अनजान पैकेज है, ना सेंडर का पता है ना रिसीवर का एड्रेस है, इसका मतलब समझता है तू? बॉम्ब भी होगा तो? नहीं नहीं मतलब, नहीं मतलब क्या दासानी, कोई बॉम्ब छोड़कर गया है इसमें, आप कैसे कर सकते हो? नहीं मतलब अगर इसमें बॉम्ब हुआ तो ये खबर न्यूज में आएगी, और न्यूज में आएगी तो हमारी कुरियर कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। सर मैं हर चीज में पॉजिटिव देखता हूँ। ये अगर यहाँ पे फट गया ना तो कोई नहीं रहेगा न्यूज में। सर मैं सीसीटीवी फुटेज लेकर आई हूँ, इसे देख कर पता कर लेते हैं कि पैकेज किसने रखा। दासानी ये बॉक्स तो तुम्हारे हाथ में है। सर ऑफिस के सारे लोग भी मेरे साथ में है, जरा देखिए। चंदू दासानी बॉस सर Congratulations, Mr. Rajesh Wagle. Thank you so much, sir. Thank you. Being the best employee of 2020. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ah, chupe rustum nikle na tum sab. What a brilliant idea, yaar. Kya baat. Thank you, sir. Lekin ye surprise ka idea to Isha ka tha. Haan. Aur sir, kya kya dal ke diya box mein? Ghadi, perfume aur certificate. Ejwani, sir, aap sach mein bade. अपना राजू बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर, क्या बात है, शान की बात है। राधिका कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया। वंदना जाके मैं संदूक खोल, उसमें ट्रॉफी है, ले क्या। अरे वाह पापा, आपको भी एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। यस, द ईयर 1994। वाओ, जब भी मैं इनके साथ बहस करती थी ना तो ट्रॉफी दिखाते थे और कहते थे बेस्ट एम्प्लॉय हूँ, मुझे मत समझाओ। और यही नहीं, मनोज और राजू भी हमेशा अभिमान से मेरी तरफदारी करते थे कि मम्मी पापा इज द बेस्ट। वो तो आपको पता है वंदना। हाँ माँ। बच्चे रोज प्रार्थना करते थे। अरे राजू तो ना उपवास रखता था कि एक बार पापा को ये ट्रॉफी मिले। और ये हर साल इतनी ईमानदारी से काम करते थे ना ताकि ये। राधिका तुम में मेरा कितना हौसला बढ़ाती थी, जानती हो बंदे ना। सिर्फ यही नहीं, रात के। हाँ पापा जानती हूँ, राज ने बताया मुझे कि जब आपको दफ्तर में देर हो जाती थी और आप रात को 11 बजे भी घर आते थे तो माँ 11 बजे रात को भी आपको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती थी। अरे कहते है ना, पति के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। इतने प्यार से खिलाया तुमने राधिका की मैं कि इनका पेट वाला रास्ता पूरे 6 लेन का हाईवे बन गया है। देखो पेट, देखो खाना है। अच्छा ये लो दो। देखो हाईवे बीच में आ रहा है। अच्छा सुनिए आप लोग,
मैं कारपेंटर को बुलवा कर इस ट्रॉफी को यहाँ किसी दीवार पे माउंट करवा दूं? हाँ, लेकिन संडे को। नो 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 संडे। क्या नो 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 संडे दक्कू भाई? एक्सक्यूज मी, इस वक्त हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं राजेश भाई, तो मेरा पूरा नाम लीजिए। ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी, संडे को सिर्फ एक घंटे का काम है उस कारपेंटर का। परमवीर चक्र इतना ही सब ज्योति भाभी को बुलाइए ना प्लीज। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ। नो नो, देखिए राजेश भाई, हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से संडे को कारपेंट्री का काम बिल्कुल वर्जित है। मेरी मम्मी को ना लकड़े के भूसे की एलर्जी है, शाम को उस संडे को वो लोग घर पे है नहीं। तो सबसे पहले एलर्जी का इलाज करवाइए ना राजेश भाई। और अगर 4-5 महीने लग गए एलर्जी का इलाज करवाने में, तब तक क्या मैं रुका रहूंगा ट्रॉफी को दीवार पर सजाने के लिए? अरे सजा तो ये झालर को देना चाहिए राजेश भाई, इसी दीवार पर एक बड़ा सा स्टैंड लगाकर। अरे सजा तो इस झालर को देना चाहिए राजेश भाई, इसी दीवार पर बड़ा सा स्टैंड लगाकर। एक मिनट ज्योति भाभी, अभी समझ गया मैं, अभी वो उबी करके नहीं बोल रहे ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था ऑनरेबल सेक्रेटरी, अरे सुन तो लो दोनों क्या कर रहे हो। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, इस संडे को 4 बजे मुझे कारपेंटर से काम करवाना ही पड़ेगा। मतलब जिद? तो ठीक है, सबसे पहले आप मेरे नाम से स्पेशल परमिशन लेटर भिजवाइए ताकि आपको कोई काम करने से रोक ना पाए। पर राजेश भाई एक बात ध्यान रखिए, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। कारपेंटर महोदय, अब इस ट्रॉफी के लिए स्टैंड उस दीवार पर बनवाएं, वहां पर या यहां पर या यहां पर लगवाएं, ये आपको वंदना बताएगी। बंधु बच्चों चलो गार्डन में चलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलेंगे ठीक है। राज तुम ही बता दो ना कारपेंटर भैया को कि ट्रॉफी कहाँ लगवानी है। ऑल द बेस्ट कारपेंटर भैया। लेकिन हम गार्डन में क्या खेलेंगे? तुम लोग भूल गए क्या जो गेम दादाजी ने परसों सिखाया था? हाँ समझ गई, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे फ्लैट पत्थर पिरामिड की तरह बना के और बॉल से समथिंग। हाँ अरे अच्छा, यू मीन अगोरी। मेरे बुद्धू बच्चे, लगोरी लगोरी। हाँ हमारे गुजराती में से नारगोड़ियू कहते हैं, और हमारे जयपुर में तो इसे सतोलिया कहते हैं, और पटना में पिट्ठू। अब पर ये नहीं चलेगा, फ्लैट चाहिए। अच्छा आप लोग सिर्फ कहते हो, खेलते नहीं हो। अरे खेलते कैसे है? बहुत इजी है, मैं समझाता हूँ। मन्ना भाई ओ इधर आ जाओ। सब आ जाइए यहाँ, अब दिखाता हूँ मैं लगोरी कैसे खेलते हैं। ला दे। ए ना देखो, ये देखो बच्चों, ये है शेर बाजार एजी में। ज्योति भाभी इतने सारे डिब्बे? मैं होलसेल से ले आई थी। डब्बे मतलब शेयर बाजार, चढ़ता हुआ शेयर बाजार। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कैम, 7,000 करोड़ का घपला, चैन की वजह से शेयर मार्केट कोलैप्स। सिंपल, ये होती है लगोरी, समझ गए? नहीं। वेरी गुड। मम्मी आप ये लगोरी अगोरी छोड़ो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अवार्ड सजाना है स्टैंड पर, अवार्ड। हाँ साहब। हाँ कारपेंटर महोदय, ऐसे कहीं भी नहीं लगा सकते हम। ये जगह सही है ना? हाँ साहब। तो आओ यहाँ पे खड़े रहो। मिल गई जगह, पकड़ो जरा, शाबाश। थोड़ा नीचे, अब बस हट जाओ। हाँ साहब हट जाओ ना। साहब मैं हट गया तो ये ट्रॉफी गिर जाएगी। सुबह लग रहा है ना? हाँ साहब। गलत, मेहमान जब ऐसे घर में आएंगे तो ट्रॉफी दिखेगी ना? ट्रॉफी तो यहाँ है। हाँ साहब। है ना, मेहमान ऐसे थोड़ी आएंगे, अरे नमस्ते श्रीनिवास जी, ऐसे नहीं आएंगे ना। तो फिर ये जगह अच्छी है ना? हाँ साहब। पापा की फ्रेम निकालिए, यहाँ पर अगर वो पकड़ो, नीचे पकड़ो। ये सही लग रहा है ना? हाँ साहब। लेकिन मेरे पापा तो यही बैठते हैं, अगर भूकंप आ गया और ये ट्रॉफी गिर गई तो पापा को सर में चोट लग सकती है। हाँ साहब।
ये जगह सही है इस ट्रॉफी के लिए, है ना? हाँ साहब। एक मिनट, लेकिन ये इंटरकॉम उठाते वक्त ऐसे सर टकरा सकता है, है ना? हाँ साहब। आपको घर में प्यार से वंदना बुलाते? हाँ साहब। ये देखो, मेरी बीवी वंदना मेरी हर बात पर हाँ हाँ कह के ना मुझे कंफ्यूज करती है, जो आप कर रहे हो। कारपेंटर कौन है? कारपेंटर आप हो ना? हाँ साहब। अरे वाह। अरे तो तय कीजिए आप कि कहाँ पे लगाना है स्टैंड, ताकि ये ट्रॉफी हम उस पर सजा सके। लीजिए। हाँ साहब। अरे प्यारी गुड वंदना भाभी। वंदना भाभी भागो। अरे बक्कू भाई उठिए। अरे उठिए, आउट हो जाएंगे। ये ट्रॉफी हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा। ओ कारपेंटर महोदय, यहाँ पे लगाना है, वहां पे खिड़की है। फाइनल है ना साहब? फाइनल है, लगा दो स्टैंड। भागिए भागिए बंदा भाभी भागिए। वंदना भाभी, मैं समझ गई ज्योति भाभी, मैं तो गई राज। क्यों? सॉरी। सफाई मत दो वंदना, इतनी लापरवाही, इतनी। ये एक आम आदमी की पहचान होती है, पहचान। ना चाहते हो भी ना, मुझे बोलना पड़ रहा है। हमारी बिरादरी की नहीं हो ना? अगर हमारी बिरादरी की होती तो। मम्मी क्या बोल रही हो आप? क्या मम्मी मम्मी मम्मी? देखो राजू, या तो तुम इसे तलाक दे दो, या नहीं तो हम लोग जाते हैं अपने दादर। तलाक 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 तलाक। राज क्या तलाक? यूटर्न मारो ख्यालों से। ट्रॉफी कहाँ गई? अरे हर्षद लेकर गया ना डॉक्टर अविनाश जोगी के पास, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना। ऑर्थोपेडिक सर्जन? पापा की ट्रॉफी को क्या प्लास्टर करेंगे? अरे हड्डी नहीं टूटी है भाभी। नहीं 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 राजेश भाई, वो डॉक्टर जोगी की हॉबी है टूटी हुई चीजें चिपकाना, चप्पल, टूटी हुई मूर्ति। अरे प्रेशर कुकर का हैंडल तो क्या चिपकाते हैं वो। डैडी, दादा दादी की टैक्सी आ गई। मैं भी आ गया। ट्रॉफी लेके। ये ठीक है ना, मतलब प्रॉपरली चिपकाई है ना? अरे एक नंबर, दो हाथी दो तरफ से अपनी पूंछ से खींचेंगे ना तो भी नहीं टूटेगी। क्या पूंछ से? सुन से सुन से। हम वही सोच रहा था, पूंछ से कैसे खींचेंगे ऐसे दो हाथी, है ना? आज हम जोशीपुरा को नीचे खुला छोड़ा है। कैसे हो तिवारी बेटा? आशीर्वाद है आपका। अरे रखू बेटा कैसे हो? काका मेरी छोड़िए, आपके हृदय में क्षण भर के लिए भी रक्त संचार विलंबित हो जाए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्या बोल रहा है राम जाने? क्या बोल रहा है? हर शब्द का तो समझ में आता है, मुंह में माउथ फ्रेशनर होता है इसलिए उसकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन दक्षिण बेटा तू तो साफ बोलता है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने मुंह में माउथ फ्रेशनर रखा हुआ है? क्या मासी? काका आपकी जो ट्रॉफी है ना वो हमने स्टैंड पर सजा कर रखी है। पापा आप चलकर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा।
देखिए। अरे आइए 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 आइए। थैंक यू थैंक यू तिवारी। ये रही ट्रॉफी। क्या बात, कितनी अच्छी लग रही है। ये मेरी शान। दादा जी फोटो फोटो। हाँ अभी वो हाथ में। राधिका, मेरी ट्रॉफी मुझसे टूट गई। कोई बात नहीं पापा, मैं इसे इसे ठीक कर दूंगा। हाँ हाँ, जैसे पहले चिपकाई थी सेम वैसे। क्या मतलब पहले चिपकाई थी मतलब? नहीं दरअसल पापा एक्चुअली एक वो ट्रॉफी क्या हुआ ना, वो मैं सजाने गया। आज सच बताना जरूरी है पापा। वो ये ट्रॉफी आपके हाथ से टूटी, उससे पहले वो मेरे हाथ से टूट चुकी थी। ठीक है ठीक है बेटा, वो गलती से हुआ है ना, आप ठीक कर दे क्या राजू? नहीं, गलती वंदना से नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। नहीं राज, मैंने शॉट जोर से मारा था इसलिए। नहीं बंधु नहीं, एक्चुअली तुमने जो शॉट मारा था उसके पहले ही ये ट्रॉफी मेरे हाथ से गिर के टूट गई थी यही। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, ग्लू है क्या? हाँ सर। राधिका, शांत हो जाइए। पापा, मैं जानता था आप मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन बेटे के मुकाबले बहू को आप इतना नहीं डांट सकते ना, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। अब ठीक है ना, इतना क्या, राजू ठीक कर देगा है ना राजू? हाँ बिल्कुल। राधिका, राजू बेटा, I'm sorry, पापा, आप प्लीज रोइए मत प्लीज। बेटा मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, झूठ तो झूठ को जन्म दे दे। तुम लोगों ने क्या, सबसे बड़ा झूठ तो मैंने कहा पहले। क्या क्या झूठ बोला है आपने? राधिका, मुझे कभी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ही नहीं। लेकिन पापा फिर ये? बेटा हर साल तुम दोनों मनोज और तुम हसरत भरी नजरों से मेरी ओर देखते थे। कब कब पापा को ये अवार्ड मिले और कब तुम लोग शान से कह सको कि हमारे पापा इज द बेस्ट। बेटा तुम दोनों का बरसों का सपना मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं पापा, हम तो बस यही मुझ पर नाज करना चाहते थे तुम लोग, इसीलिए ना बेटा मैंने जाके मार्केट से ये झूठी ट्रॉफी बनवा ली। माफ करना राधिका, माफ करना बच्चों, मैं ऐसा पापा बन ही नहीं सका जिस पर तुम लोग गर्व कर सको।
नहीं पापा प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा कह के आप अपनी ईमानदारी का अपमान मत कीजिए। आपको पता है ये सच बताकर आप हमारी नजरों में इतने बड़े बन गए हो, इतने बड़े बन गए हो पापा कि मैं अभी बाजार जाकर एक नई ट्रॉफी लेकर आऊंगा जिस पर लिखा होगा वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। राजू अधिका राजू अच्छा दादाजी वो लगोरी खेलने के पत्थर हमें मिले ही नहीं। नो नो फॉरगेट दैट, आप दादर से हमारे लिए क्या लाए? सीनियर वागले ना, दादर से तुम लोगों के लिए चुन चुन के ये लाए। अरे ये लाए क्या ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए। तो फिर पापा लगाइए निशाना। मैं? हाँ बिल्कुल मारो। ये है असली लगोरी। बच्चों की खातिर माँ बाप क्या क्या नहीं करते। जब राजेश ने ये जाना तो अपने पिता को एक पल के लिए भगवान की तरह माना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।